चलिए 34 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज से पहले आपको 33 करा दिया था। फ्लोइंग आर द बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की फॉर 2 ईयर एंडिंग, प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें एक तो सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखी है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह दिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग है, ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है इसके अंदर 50,000 है, उसके बाद 12,000 का है प्रीवियस ईयर का, 12,000 है करंट ईयर का, कितना है 15,000। नीचे डाटा दे रखा है आपको, नॉन करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स वगैरह दे रखी है। तो बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो तीनों एक्टिविटी पहले बना देंगे यहाँ पे हम। एक तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे पहले, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम क्या बनती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टार्ट करें क्वेश्चन को। चलिए जिसके नोट्स होंगे नोट्स में देखते जाना पीछे, ठीक है। ये सबसे पहले आपका आ रहा है शेयर कैपिटल, क्या आ रहा है शेयर कैपिटल, पहले कितनी है 2 लाख, आगे कितनी होगी 3 लाख। तो ये आपका कहाँ जाता है शेयर कैपिटल, अगर आपको याद हो तो फाइनेंसिंग में। तो यहाँ डालेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख, प्लस की आइटम हो जाएगी 1 लाख, आप यहाँ डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस। अगर इसके अंदर कोई नोट्स ना दे रखा हो तो हम इसके अंदर मानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपका, खाली क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कहाँ जाता है वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पे। नेट प्रॉफिट हम कितना दिखाएंगे 50,000 दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट आपका हो गया 50,000। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अगर आप देखो तो इसमें आपको दे रखा है, तो एक नंबर नोट में, एक नंबर नोट में जाएंगे हम पीछे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दे रखे लोन, दे रखे लोन, ठीक है। और लोन आपका हो रहा है कम, तो इसको बोलते हैं रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। लोन वगैरह सब फाइनेंसिंग में जाते हैं, कहाँ जाते हैं फाइनेंसिंग में। तो इसको यहाँ लेके आएंगे, और ये आपका हो गया रिपेमेंट ऑफ लोन। कितना लोन आपने वापस किया 75,000 का, माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस की आइटम है आपकी ये रिपेमेंट ऑफ लोन 75,000, कहाँ दिखाएंगे फाइनेंसिंग में दिखाएंगे। अब इसका इंटरेस्ट का भी होता है कि इंटरेस्ट निकालते हैं ना हम अपने आप, इंटरेस्ट अब देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट इस पर देना है या नहीं देना है। वैसे तो रेट आपको दे रखी है 15% है, और अगर कुछ ना कहा तो हम स्टार्टिंग वाले के ऊपर निकालते हैं। अब नीचे दे रखा है उसने कि लोन उसने वापस किया है 1 अप्रैल 2017 को, यानी पहले दिन ही आपने लोन को क्या कर दिया वापस कर दिया। अगर पहले दिन ही लोन वापस हो जाता है फिर तो आपका कोई इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं उसके ऊपर, ठीक है। फिर तो आपने क्या करना है, बस सीधा बस यहाँ पे ये दिखा देना रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितना 75,000। इंटरेस्ट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपने लोन को पहले दिन ही वापस कर दिया। तो अगर पहले दिन वापस कर देंगे फिर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आपका नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग तक मैं आपको लेके आ चुका हूँ, अब आगे आता हूँ शॉर्ट टर्म ब्रोइंग। नंबर दो नोट है, नंबर दो में देख लेते हैं क्या इसके अंदर दे रखा है। नंबर दो में आपको दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी आपकी इसमें कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, चाहे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग हो चाहे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग हो, दोनों फाइनेंसिंग में जाती हैं, कहाँ जाती हैं फाइनेंसिंग में, जैसे आपको याद करा रखा है। तो 37 का कितना हो रहा है 25,000, तो कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना लेके चलेंगे यहाँ 12,000 ये डाल के चलेंगे यहाँ, ठीक है। तो माइनस की आइटम है डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है इसके अंदर हमें शॉर्ट टर्म ब्रोइंग होगा ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल आपका देखिए इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे दिखाएंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, और ये आपका ज़्यादा हो रहा है 5,54,000, ठीक है। तो डिफरेंस हम देंगे दोनों का, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड होगा, ऐड पे लिख लेना डिक्रीज इन करंट असेट्स इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है ट्रेड पेबल 54,000, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आ रहा है, प्रोविज़न फॉर क्या है टैक्स। टैक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी कराया था कि जो आपका करंट ईयर वाला होता है वो तो हम करते हैं ऐड, क्या करते हैं ऐड, और जो प्रीवियस ईयर वाला होता है वो आप क्या करते हैं लेस करते हैं, ध्यान रखना। 15,000 तो हम ऐड करेंगे, ऐड किसके अंदर करेंगे वर्किंग नोट के अंदर, कि ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्स 15,000 यहाँ पे ऐड कर देना, और लेस कहाँ करेंगे उसमें ही ऑपरेटिंग में ही सबसे लास्ट में लेस होता है प्रोविज़न फॉर टैक्स, यहाँ पे लेस टैक्स पेड इन्वेस्टिंग से ऊपर, ये टैक्स पेड आप कितना माइनस करेंगे 12,000 माइनस कर देंगे। तो करंट ईयर का तो हमारा ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का हमारा क्या होता है माइनस होता है। तो 15,000 आप ऐड करना इसके अंदर प्रोविज़न फॉर टैक्स वर्किंग नोट में, और 12,000 आप ऑपरेटिंग में ही सबसे लास्ट में लेस टैक्स पेड कितना लेस करेंगे 12,000 आप लेस कर देना, ठीक है। अब ये आपकी साइड कंप्लीट हो गई, अब असेट्स वाली साइड में आ जाते हैं। फिक्स असेट्स आपका है, फिक्स असेट्स नंबर 3 देखते हैं क्या इसके अंदर दे रखा है। फिक्स असेट्स के अंदर आपको जो दे रखा है इसके अंदर, एक तो प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, ठीक है जी।
और एक एक्यूमुलेटेड क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन। और मैंने आपको दो अकाउंट बनाने सिखाए थे, मैंने आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो हमारे दो अकाउंट्स बनते हैं, एक प्लांट एंड मशीनरी का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। लेकिन बनते तब है जब उसके नीचे एडजस्टमेंट दे रखी हो। देखिए इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है नीचे, तो आप क्या करना, सीधा डिफरेंस लेना। जैसे 3,50,000 का ये 4 लाख हो गया, तो ज़्यादा हो गया ना, इसको बोलते हैं परचेज, यानी परचेज हो प्लांट एंड मशीनरी, इसको माइनस की आइटम बनेगी, 50,000 माइनस में जाएगा। और एक आपकी इसमें डेप्रिसिएशन जो आपका है, जैसे 50 का कितना हो रहा है 60, तो 10,000 आपका क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन, वो आप ऊपर ऐड कर देना यहाँ पे, एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन कितना ऐड करेंगे, 10,000 यहाँ पे प्लस कर देना, तो डेप्रिसिएशन तो ऊपर आपका ऐड हो जाएगा। और परचेज हम कहाँ दिखा देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यहाँ शो कर देना, कितना अमाउंट दे रखा है आपका, 50,000 दे रखा है, माइनस की आइटम है, ध्यान रखना इसकी आइटम है ये माइनस की। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा पास अगला पॉइंट आ गया, यहाँ पे फिक्सेड्स हो गया आपका, करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो हम ले लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि करंट इन्वेस्टमेंट और कैश और बैंक बैलेंस, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या करना, नीचे जाके करेंगे, इसको छोड़ देंगे अभी आप। उसके बाद इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री हमारी ज़्यादा हो रही है, 60 की कितनी हो रही है, 90, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स यहाँ पे आ जाएगा, इन्वेंट्री 30,000 माइनस में, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, लेस में क्या होता है, इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो इन्वेंट्री माइनस में जा रही है, 30,000 माइनस करेंगे इन्वेंट्री के बाद। फिर हमारा आपके आ रहा है इसमें ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी हमारा इंक्रीज इन करंट असेट्स, तो ट्रेड रिसीवेबल हम 32,000 माइनस में डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद फिर आपका आ रहा है कैश और बैंक बैलेंस, ये तो हम लेते नहीं, ठीक है। तो आप देख लेते हैं नीचे कोई अगर पॉइंट आपका रह गया, नहीं तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक पॉइंट आपका आया हुआ है, वो आपने समझना ध्यान से, वो है कंटिजेंट लाइबिलिटी के अंदर प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, और डिविडेंड को मैंने आपने याद कराया था, दो बार एंट्री करते हैं, एक बार तो वर्किंग नोट में हम ऐड करते हैं, वर्किंग नोट में क्या करते हैं ऐड, अगर मैं आपको दिखाऊँ डिविडेंड पेड, ये एक बार देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में ऐड हो रहा है, ये चाहे आपका प्रपोज डिविडेंड हो चाहे आपका इंटरिम डिविडेंड हो, एक वर्किंग नोट में हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो वहाँ पे हम ऐड करते हैं। दूसरा, जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो वहाँ पे हमारा माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिविडेंड लेना कौन सा है वो आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए इसमें दो डिविडेंड दे रखे हैं, एक तो करंट ईयर का है और एक आपका प्रीवियस ईयर का दे रखा है, तो आपने ध्यान रखना है जब आप प्रपोज डिविडेंड को लोगे वो आपने केवल प्रीवियस वाला लेना है, 20,000 आप लेके चलोगे, ठीक है, और इसको लेके नहीं चलना आपने, ठीक है, ये ध्यान रखना। कितना लेके चलेंगे आप, 20,000 प्रीवियस ईयर वाला, उसी की एंट्री हम कितनी बार करते हैं, दो बार, एक बार तो 20,000 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे यहाँ प्लस कर देंगे, और दूसरा आप इसको फाइनेंसिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे लेस करते हैं डिविडेंड पेड, 20,000 यहाँ पे क्या करना, माइनस कर देना, ठीक है, ये आपने यहाँ तक करना है पहले।